सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अवर अदर न्यू वीडियो। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो आप लोगों के लिए नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था अपने यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि कुछ प्लान कर रहा था मैं तो मैं अब वीडियो यूट्यूब पे नहीं लेकर के आऊँगा कोई भी। जैसे कि अभी मैं बहुत सारे किसी भी टॉपिक पे वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा था, बट आने वाले टाइम्स में अब से जो भी हो गया वो केवल मैं 3 टॉपिक पे ही वीडियो लेकर के आऊँगा। और वो टॉपिक है बेसिक, फर्स्ट वन जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है एम्बेडेड सी का, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर प्लीज़ प्रोवाइड द वीडियो ऑन एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग किस तरह से करते हैं। और रियली ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है और खुद का मेरा जो एक्सपीरियंस है, इससे मुझे ये पता चलता है कि हमारे पास बहुत सारे सोर्स नहीं अवेलेबल हैं यूट्यूब पे या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कि हम स्टार्टिंग से हम किस तरह से एम्बेडेड को सीखें। तो एम्बेडेड सी हमारा फर्स्ट कोर्स होने वाला है, जिसमें जो कम्प्लीटली फ्री होगा, एवरेज वीडियो आएगी। अगर आपको लगता है कि मैं किस तरह से पढ़ाऊँगा या मैं किस तरह से आपको बताऊँगा, तो मैं अपना एक्सपीरियंस पहले आपको बता देता हूँ। जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, उसके बाद जब मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की तो मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आया। इनफैक्ट मैंने सॉफ्टवेयर फील्ड की जॉब भी छोड़ दी थी इसी वजह से, क्योंकि मेरे को थोड़ा भी प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं आता था। जब मैं कोड लिखता था, प्रोग्रामिंग करता था, मेरे को थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था, तो उस वजह से मैंने सॉफ्टवेयर का फील्ड कम्प्लीटली डिनाई किया। और उसके बाद मैं अलग अलग फील्ड्स में काम किया, लाइक मैंने पीर लेआउट इंजीनियर पर काम किया, पीसीबी डिज़ाइनिंग पे, वायरलेस टेक्नोलॉजी पे काम किया, आईओटी पे काम किया, बट सारे के सारे जो थे वो हार्डवेयर लेवल पे थे, सर्किट डिज़ाइनिंग है ये सब चीज़ों पे काम थे। बट मैं बहुत सारे रिसोर्सेज भी ढूंढता रहा कि अच्छा कोई मुझे रिसोर्स मिले जो एकदम स्टार्टिंग से मेरे को बताए कि हाँ, अगर मैं एम्बेडेड में अगर यूज़ कर रहा हूँ तो रजिस्टर तक को मेरे को क्लियर करे कि क्यों रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। हम सी प्रोग्रामिंग में हैज़ इंक्लूड studio.h यूज़ करते हैं, जब हम एम्बेडेड में आते हैं तो फिर हम AVR या ARM.h, हम इस तरह के हेडर फाइल्स को यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। हम IO पिन कैसे डिफाइन करते हैं, या फिर हम Arduino पे काम करते हैं तो हम किस तरह से अलग अलग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। लाइक अगर SPI की बात करूँगा, SPI में हम डेटा को किस तरह से डिफाइन करेंगे, किस तरह से हमारा डेटा का पैकेट होगा, बॉड रेट किस तरह से हम सेट करेंगे, सीरियल पोर्ट किस तरह से डिफाइन होगी, इन सभी चीज़ों को लेकर इस तरह से मेरे को कभी भी कोई रिसोर्सेज बहुत अच्छे नहीं मिले। तो बट धीरे धीरे करके मैंने भी चीज़ों को सीखा अलग अलग रिसोर्सेज से, लोगों से, दोस्त फ्रेंड्स लोग से जो सॉफ्टवेयर में, उनसे बात करके चीज़ों को मैंने और भी ज़्यादा एक्सप्लोर किया, सीखा। तो मैं उसी एक्सपीरियंस को लेते हुए आपके साथ वीडियो को शेयर करूँगा। और मैं बोलूँगा कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा, अभी एम्बेडेड सी का बनाऊँगा, पाइथन का बनाऊँगा, आप ये दोनों वीडियो मेरे प्रोग्रामिंग के, क्योंकि मेरे लाइफ का यही दो प्रोग्रामिंग है जो मैंने सीखा है। इसके बाद मैं जावा पे भी वीडियो बना सकता हूँ, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि मैंने सीखा है यार, रियली मैं बताता हूँ, मैंने इसमें हार्डवर्क किया है तो मैंने सीखा है चीज़ों को, ठीक है। तो मैं एम्बेडेड सी और पाइथन का पूरा कोर्स लेके आऊँगा, पूरा कोर्स चलता रहेगा। अगर मैं स्टार्ट करूँगा, मेरे यूट्यूब पे और कोई भी वीडियो नहीं आएगी, जैसे कि अभी मैं डिस इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, ये सब की वीडियो दे रहा था, मैं कुछ भी लेके नहीं आऊँगा अभी। अभी केवल और केवल दो ही चीज़, तीन चीज़ों पे बात चलेगी। एक होगी आपकी एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम में मैं हार्डवेयर पे कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, प्रोग्रामिंग होगी केवल और केवल एम्बेडेड पे। हम माइक्रो कंट्रोलर समझेंगे, माइक्रो कंट्रोलर के आर्किटेक्चर को समझेंगे, हम इन सभी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट, दैट इज़ अ पाइथन। पाइथन में मैं खुद काम कर रहा हूँ एंड ऑटोमेशन, तो मैं पाइथन को कंप्लीट स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक लेके जाऊंगा, किस तरह से आपको हार्डवेयर के साथ, PLC के साथ, आपके रिले के साथ, कॉन्टैक्टर के साथ, अलग अलग डिवाइस, DMM के साथ, PPS के साथ, पावर सप्लाई होती है प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई, DMM है डिजिटल मल्टीमीटर, कैसे हम इस सबसे डेटा को रीड करते हैं, राइट करते हैं, इसमें किस तरह से हम कन्फिगर करते हैं, सारे चीज़ों को लेकर के। तो मैं प्रोग्रामिंग आपको जो सिखाने वाला हूँ, मैं बोलूँगा यही कि आप मेरी कोई भी 5 कंटिन्यूअसली वीडियो को देखना, अगर आपको मैं, लेकिन हाँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए होगा जिनको प्रोग्रामिंग का पता भी नहीं है कि व्हाट प्रोग्रामिंग होता है, क्या वो पहली बार सुन रहे कि यार ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरह का पार्ट है, क्या होता है ये प्रोग्रामिंग, बेसिक उनके लिए ही होगा। अगर आपको आता है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नॉलेज पहले से है तो थोड़ा सा बोर फील कर सकते हो, क्योंकि मेरे डिस्कशन को, क्योंकि मेरी हर वीडियो काफ़ी लंबी होती है, ठीक है, ये आप भी जानते हो, क्योंकि इसमें से प्रैक्टिकल वाले पार्ट बहुत ज़्यादा मैं इंक्लूड करता हूँ कि प्रैक्टिकल आप किस चीज़ कि कौन से कॉन्सेप्ट को किस तरह से आप समझ सकते हो। तो प्रैक्टिकल का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं प्रैक्टिकल कंप्लीट रिलेट करके करूँगा, और जब प्रैक्टिकल रिलेट करूँगा तो ऑब्वियसली बात है कि वीडियो के लिए जो लेंथ है वो थोड़ी लंबी होगी, नो डाउट, ठीक है। तो हम उस तरह से चीज़ों को लेकर के चलेंगे। अगर आपको प्रोग्रामिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, आप किसी भी, आप चाहे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो या 11th 12th कर रहे हो या फिर आप 8th 9th किसी भी क्लास में हो, मैं बोलूँगा मेरे वीडियोस को देखना, 5 वीडियोस कंटिन्यूस देखना। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट जो मैंने 5 वीडियो में बताई अगर आपको क्लियर नहीं होगी, आप मेरे को नीचे कॉमेंट कर देना, कॉमेंट करना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्यों आप समझ नहीं पा रहे हो चीज़ों को,
मैं और भी कोशिश करूंगा कि मैं डेप्थ में घुसूं चीज़ों को लेके और एग्जांपल्स आपके साथ सेट करूं, क्योंकि प्रोग्रामिंग बहुत ईजी है, प्रोग्रामिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं और आप जैसे बातें करते हैं उसी तरह से हम अपने हार्डवेयर को या प्रोग्रामिंग को सॉफ्टवेयर के साथ थ्रू हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। हम मशीनों को आपस में बात कराने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो प्रोग्रामिंग करते हैं। हम उस तरह से चीज़ों को लेकर के चलेंगे, एक एक चीज़ों का मीनिंग समझेंगे। तो फाइनली मैं बोलूँगा मैं तीन को अभी कोर्स आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, और लगभग मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए हर एक दिन हर एक टॉपिक पे वीडियो लेकर के आऊँ। इसमें से नंबर वन पे जो मैं डिस्कस करूँगा दैट इज़ अबाउट द एम्बेडेड सी, सेकंड होगा जो पाइथन है, और थर्ड जो होगा वो है हमारा की कैट का पीसीबी का ट्यूटोरियल। ठीक है, तो ये तीन ट्यूटोरियल के मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके पास वीडियोस रेगुलर आएंगी, आप वीडियोस को रेगुलर देखना, बने रहना हमारे साथ। ठीक है, क्योंकि वो चैनल धीरे धीरे अब ग्रोथ करेगा, कर रहा है और करेगा भी, आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो हम इस चीज़ों को बहुत ही जल्दी कंटिन्यू करेंगे और बहुत अच्छे लेवल पे लेकर के जाएंगे। ठीक है, बहुत ही डेप्थ में चीज़ों को समझेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं किसी और बंदे को भी लेकर के आऊँगा जो कि एक्सपर्ट है उस फील्ड में। ठीक है, तो हम वहाँ पे तक ले चीज़ों को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें मैं आपके साथ अभी कंटिन्यूसली शेयर होगी, बाकी कोई भी वीडियो मेरी यूट्यूब पे नहीं आएगी। हाँ, अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई कमेंट लगता है तो ज़रूर आप शेयर करना, मैं उसको भी अपडेट करूँगा। ठीक है, बाकी कमेंट्स वगैरह जो आएंगे उसके मैं कोशिश करूँगा। अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग के टेक्निकल डाउट्स होते हैं, लाइक कि अभी बंदे ने कमेंट किया मेरे पास कि मैं 10th में ITI कर रहा हूँ, डिप्लोमा कर रहा हूँ, क्या मैं PCB डिज़ाइनिंग कर सकते हो? तो भाई नहीं कर सकते हो, आप सीख सकते हो खुद के लिए, बट प्रोफेशनली आप काम नहीं कर सकते उस चीज़ों पर। ठीक है, उसके लिए आपको बहुत डेप्थ में नॉलेज चाहिए होगी, और वो नॉलेज आपको ITI या फिर डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक करके नहीं मिलेगी वो चीज़ें आपको, या तो फिर आप उस सब्जेक्ट में घुस जाओ, इतना आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तो नहीं कर सकते। तो मैं आप कोशिश करूँगा कि जो कमेंट्स हमारे पास आएंगे, क्योंकि टेक्निकल जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसके आंसर देना कमेंट में पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट टर्म में आंसर दूंगा, फिर वो चीज़ें आप समझ नहीं पाओगे। उससे बेहतर है कि मैं एक छोटा सा Q&A टाइप का मैं आप लूँगा, एक कॉमेंट लूँगा, एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर लूँगा Q&A के नाम से, आपका क्वेश्चन कॉमेंट से उठाऊंगा और मैं क्या करूँगा एक वीडियो उस पर बना करके पोस्ट कर दूँगा। ठीक है, कि उससे और भी लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम प्रॉपर तरीके से चीज़ों को लेकर के चले, बाकी आप लोग का जितना ज़्यादा सपोर्ट होगा तो उसके हिसाब से हम और भी चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हो सकता है मैं एक दिन में 5-5, 6-6 वीडियो भी मैं डालूँ। ठीक है, तो चलो मिलूँगा अगले वीडियो में, स्टार्ट करूँगा अगले सेशन से, और वो पाइथन का है, एम्बेडेड का है और कीकैट का है, तो तीनों सेशन में मैं आपके साथ मिलूँगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।